हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमारा फोटो जो कि मोबाइल से क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आता है, जहाँ से धूप के कारण हमारा चेहरा भी ख़राब हो जाता है और बैकग्राउंड भी कुछ इस प्रकार से आता है जो हम मोबाइल से क्लिक करते हैं, तो उसको हम कुछ एडिट करके कुछ इस प्रकार का कैसे कर सकते हैं आज के वीडियो में यही जानने वाले। तो आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड और वगैरह, चेहरा, हमारे शर्ट वगैरह सभी एकदम कलर मैचिंग है। तो आज का वीडियो में यही सिखाने वाले हैं। तो आप सभी हमारी YouTube चैनल क्रिएटर 85 पे नहीं हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के आल पे सेलेक्ट कर दें ताकि ऐसे ही और आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो आप देख ही सकते हो हमारा फोटो किस प्रकार का है, जैसे हम एडिट करेंगे और एडिट होने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार का प्रोसेसिंग रहेगा। तो आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको फोटो को शेयर पर क्लिक करना है और आपके स्नैपसीड ऐप के अंदर शेयर कर लेना है। ऐप के अंदर आने के बाद आपको टूल्स पर क्लिक करना है और पहले वाले पे टून इमेज वाले पे क्लिक कर देना है। इस पर आने के बाद आपको क्या है ना, ब्राइटनेस को थोड़ा सा हाई कर देना है, माइनस कर लेना है, और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा माइनस कर लेना है, इस आपको सेचुएशन को थोड़ा सा प्लस में कर लेना है और एमुलेट्स को भी थोड़ा सा प्लस में कर लेना। ये सेटिंग आप देख सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेना और ये आपके फ़ोटो के अनुसार कर देना। जो भी आपका फ़ोटो हो, अगर आप ब्राइटनेस ज़्यादा हो तो थोड़ा सा कम कर लेना और कुछ इस प्रकार आपको फ़ोटो ठीक करके आपको राइट पर क्लिक कर देना है। इतना देख लेना, हो जाने के बाद आपको वापस टूल्स पर क्लिक करना है और इसके बाद सेलेक्ट टूल्स भी ले लेना और इसको अपने चेहरे के ऊपर लेके इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को हाई कर देना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि आपका चेहरा ही सिर्फ वाइट हो, बैकग्राउंड वगैरह ना हो। जहाँ से आपके चेहरा वगैरह यहाँ से तो डार्क हो, वहाँ वहाँ इसको अप्लाई करके वापस थोड़ी सी ब्राइटनेस को हाई कर लेना। तो आप अपने चेहरे और हाथ पैर वगैरह सभी की जगह लेके इसको थोड़ा सा हाई कर देना। कुछ इस प्रकार होने के बाद आप देख लेना, अगर आपका हाथ या चेहरा वगैरह कहाँ से थोड़ा सा वाइट जाता हो तो आपको देख लेना है, यहाँ से थोड़ा सा मेंटेन करके उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना। इतना हो जाने के बाद आपको देखना बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी फर्क दिखेगा और यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे डार्क दिख रहा है मैं अपना फोटो यहाँ से, तो हम यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस को हाई करके ठीक कर लेते हैं। ये इतना फोटो आपको होने के बाद आपको करना है वापस टूल्स पर क्लिक करना है, वापस टून इमेज पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ से आप उस सिचुएशन को थोड़ा सा प्लस में कर लेना है और एमुलेट्स को यहाँ से 25 के आसपास कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करके राइट पर क्लिक कर देना। बाद में आपको शेयर के पास में एक बटन दिखा है, वहाँ पर क्लिक करके व्यू इमेज क्लिक कर देना और इसको टून इमेज में आ जाना है। इसको इनेबल करके आपको जूम कर लेना है और अपने चेहरे के ऊपर से वापस कट कर देना है ताकि आपका चेहरा रेड रेड ना हो। तो हम यहाँ से हेयर और ले लेते हैं। आपको अपने ज़्यादा अगर कपड़े वगैरह रेड रेड हो रहे तो वहाँ पे भी कट कर सकते हो, वरना हम यहाँ से रेड नहीं हो रहे तो वो इतना ही करके वापस रेड कर देते हैं। इतना होने के बाद यहाँ से आप जो भी बैकग्राउंड में अगर ज़्यादा कचरा वगैरह दिख रहा है तो यहाँ से इरेज कर सकते हो, या किसी आपको पर्सन को करना हो तो कोई आपके व्यक्ति आ जाता है तो उसको भी इरेज कर सकते हो। कुछ इस प्रकार होने के बाद आपको क्या है ना, राइट पर क्लिक कर देना है यहाँ से। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर शेयर वाला बटन दिख रहा होगा ऊपर, उस पर क्लिक करना और यहाँ से आपको आ जाना है पिक्स आर्ट के अंदर, ताकि हम अपने फोटो के ऊपर बॉर्डर वगैरह लगा सके व्हाइट कलर वाली जो आपने इंस्टाग्राम पर देखी होगी। इसको स्क्रॉल करना और पिट पर क्लिक कर देना तो ये हो जाएगी, उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना। तो फाइनली हमारा फोटो हमारे सामने रेडी होकर आ चुका है। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो ये लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद, वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा।